सादर प्रणाम। आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम वीडियो में लेकर आए हैं मैथिली भाषा को। बात करेंगे चर्चा में क्यों है, क्या सिफारिशें की गई हैं, जो इससे संबंधित रिपोर्ट बनाई गई है या सौंपी गई है। हम जानेंगे मैथिली भाषा के विषय में, साथ ही मिथिलाक्षर है उसके विषय में भी हम जानेंगे। इसके संरक्षण या संवर्धन की आवश्यकता क्यों पड़ी और वर्तमान में इससे संबंधित क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इन बिंदुओं को आज के वीडियो में हमने शामिल किया है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि मैथिली भाषा और उसकी लिपियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक रिपोर्ट बनाने के लिए समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने MHRD को अपनी रिपोर्ट सौंपी है और इस रिपोर्ट में मैथिली भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई सिफारिशें की गई हैं। सिफारिशें क्या की गई हैं, उनमें सबसे पहली सिफारिश ये है कि मिथिला अक्षर का प्रयोग सरल हो सके। इसके लिए लिपि को भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास संस्थान के द्वारा जितना जल्दी हो सके, यानी कि जल्दी से जल्दी कंप्यूटर की भाषा यानी यूनिकोड में परिवर्तित करने का काम पूरा किया जाए। दूसरी सिफारिश की गई कि मिथिलाक्षर को सीखने के लिए ऑडियो विजुअल यानी कि श्रव्य दृश्य तकनीक को भी विकसित किया जाए। अब मैथिली भाषा के संबंध में जान लेते हैं तो मैथिली भाषा का सबसे पहला प्रमाण जो मिलता है वो रामायण में मिलता है और ये मिथिला नरेश राजा जनक की राज्य भाषा थी। मैथिली भारत में मुख्य रूप से दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, बेगूसराय, कटिहार, पूर्णिया, रांची, बोकारो, जमशेदपुर, भागलपुर आदि जिलों में बोली जाती है। नेपाल के 8 जिलों धनुषा, सिरहा, सुनसरी, सरलाही, सप्तरी, मोहतरी, मोरंग और रीतहट में ये भाषा बोली जाती है। तो बांग्ला और असमिया के साथ साथ उड़िया के साथ साथ इसकी उत्पत्ति मागधी प्राकृत से हुई है। 2003 में यानी कि वर्ष 2003 में मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। 2007 में नेपाल के अंतरिम संविधान में इसे एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में भी स्थान दिया गया। झारखंड राज्य में इसे द्वितीय राज्य भाषा का राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अब जान लेते हैं मिथिलाक्षर के विषय में। मिथिलाक्षर इसे जो मैथिली भाषा है इसे पहले मिथिलाक्षर और कैथी लिपि में लिखा जाता था। मिथिलाक्षर लिपि जिस लिपि परिवार से है उसके अन्य सदस्य हैं बांग्ला, असमिया, नेबारी, उड़िया और तिब्बती। मिथिलाक्षर का वर्तमान स्वरूप 10वीं शताब्दी में बना था और इसका सबसे पुराना उदाहरण मिलता है 1950 ईस्वी के सहोदरा पाषाण अभिलेख से। मिथिलाक्षर को तिरहुता या वैदेही लिपि के नाम से भी जाना जाता है। अब जान ले कि इसके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। पिछली एक शती से मिथिलाक्षर के प्रयोग में लगातार कमी आती रही है और इस कमी की वजह से हमारी संस्कृति का एक अंश लुप्त होता जा रहा है। वर्तमान में मैथिली भाषा को लिखने के लिए देवनागरी का अधिक प्रयोग हो रहा है, जिस वजह से बहुत कम लोग मिथिलाक्षर को पहचानते हैं, क्योंकि मैथिली को वो देवनागरी के माध्यम से ही पहचानते हैं। तो धीरे धीरे करके मिथिलाक्षर की वजह से इनकी पहचान कम होती जा रही है, यानी कि मिथिलाक्षर को कम लोग जान पा रहे हैं। वर्तमान में क्या प्रयास हो रहे हैं इससे संबंधित, हालांकि अभी रिपोर्ट पेश कर दी गई है, सिफारिशें दे दी गई हैं, लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, गैर सरकारी संस्था और मीडिया के द्वारा भाषा के विकास का प्रयास हो रहा है। लगभग 15 से 20 रेडियो स्टेशन हैं जिनमें मैथिली भाषा के कार्यक्रम वर्तमान में प्रसारित किए जाते हैं और किसी किसी रेडियो में तो 50% से अधिक कार्यक्रम मैथिली में हो रहे हैं। हालांकि इसके विकास, संरक्षण और संवर्धन के लिए रिपोर्ट के माध्यम से सिफारिशें दे दी गई हैं, इसलिए ये चर्चा में है, इसलिए आज के वीडियो में इसे शामिल किया। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, आप लगातार साथ बने रहिएगा। अगले वीडियो में जल्दी आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।